Hello, welcome back once again. Myself Pranshu Kumar Pathak, and in this particular session we will learn about basic complementation problems as well as some other problems. So dear friend, before starting, I got a question from DBT 2016. So let's try to understand this first, then we will start our lecture. Okay, so dear friend, one question asked by DBT in 2016, the question is, let's start. So a linear DNA fragment which has three restriction sites for damage one, and that is labeled at only 5' end. Okay, the DNA is partially digested with damage one in such a way that all kind of fragment are generated. Under these condition, how many labeled and unlabeled fragment will produce? ये question पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आया होगा कि partial digestion क्या है? What is partial digestion and what is complete digestion? In complete digestion, all BAMH1 will work at the same time, but it will digest. Complete digestion का मतलब जितने भी sites हैं, they are functional and they can cut in whole amount of DNA. जितने भी आप शुरू में जैसे हम 10 picomole, 100 picomole, nanomole है ना, एक concentration amount of DNA किसी भी digestion में हम रखते हैं, ठीक है? जब हम digestion करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसमें हम एक amount of DNA को डालते हैं. अब partial digestion क्या हुआ? कि उसमें से कुछ मॉलिक्यूल कटेंगे, कुछ मॉलिक्यूल में तरह तरह से कटेंगे. पार्शियल डाइजेशन जैसे थ्री रिस्ट्रिक्शन बायमेचून साइट है, तो किसी में एक कट किया, किसी के कुछ मॉलिक्यूल में दोनों कट हुए, किसी में तीनों कट हुए. तो इस बेसिस पे कई आपके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जनरेट करेंगे, ठीक है? तो चलिए इसको समझने के लिए पिक्टोरियल हम समझने की कोशिश करते हैं. सपोज दिस बैम एच वन इज फंक्शनल, जब ए बैम एच वन, एक बैम एच वन काम कर रहा है, बाकी दो नॉन फंक्शनल है, तो क्या होगा? ये कितने फ्रैगमेंट प्रोड्यूस करेगा? दो, बिकॉज वन साइट टू फ्रैगमेंट, तो वन इज लेबल्ड एंड वन इज अनलेबल्ड. अब सोचो कि दो काम करेगा, ये दोनों काम करेगा, तो कितने फ्रैगमेंट जनरेट करेगा? एक दो, एक दो एंड तीन. तो इसमें एक लेबल्ड मिलेगा और दो अनलेबल्ड मिलेगा, ठीक है? चलिए इसको और डिलीट करके चलते हैं. अब सोचो कि सारे के सारे बैम एच वन इज फंक्शनल. अब इस केस में क्या होगा? जब ए भी बैम एच वन काम कर रहा है, ए भी बैम एच वन काम कर रहा है, ए भी बैम एच वन काम कर रहा है, इट मीन्स ऑल बैम एच वन आर फंक्शनल इन नेचर, देन इट विल प्रोड्यूस हाउ मेनी फ्रैगमेंट्स? वन टू थ्री कट. सो फ्रैगमेंट वन टू थ्री एंड फोर, इन विच वन इज लेबल्ड एंड रेस्ट थ्री आर अनलेबल्ड. तो इसको मैंने पेक्टोरियल डायग्राम देकर के इसलिए समझाया ताकि आपको अच्छे समझ में आए. यहाँ पे मैंने यहाँ पे बना करके रखा है ताकि आप इसको अच्छे से समझो. चलो फिर से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? यहाँ पे कह रहा है ऑल कट पॉसिबल. ऑल कट पॉसिबल कब होगा? जब तीनों बैम एच वन साइट आर फंक्शनल. ये तीनों बैम एच वन साइट क्या है? फंक्शनल है, ठीक है? अब सोचो तीनों बैम एच वन होगा तो कितने लेबल मिलेंगे आपको? द फाइव प्राइम एंड इज लेबल्ड, सो दिस विल डिपेक्टेड. तो वन लेबल डीएनए मिला, और सारे काट करेंगे तो कितना मिलेगा? एक तो ये मिल गया, दो, एक दो तीन, तीन आपको ऐसे फ्रेगमेंट मिलेंगे जो थ्री प्राइम के होंगे, जो कि आपको क्या मिलेंगे? अनलेबल्ड मिलेंगे, ठीक है? चलिए अब सेकंड केस उठाते हैं. यहाँ पे कह रहा है टू कट इज पॉसिबल. टू कट मीन्स दो बैम एच वन इज फंक्शनल. इन दिस केस दिस बैम एंड दिस बैम इज फंक्शनल, बट दिस बैम एच वन इज नॉट फंक्शनल. इन दिस हाउ मेनी बैंड यू विल फाइंड? वन टू एंड दिस थ्री, इन विच वन दैट इज कॉल्ड लेबल्ड एंड दिस वन एंड होल दिस वन इज टू. सो दिस टू आर अगेन वॉट? दिस इज नॉट लेबल्ड. सो लेबल्ड वन, अनलेबल्ड दो. चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए थ्री नंबर. जब हम सोचो कि ओनली वन बैम एच वन विल कट, जब एक बैम एच वन सिर्फ कट करेगा, इस केस में क्या हुआ? दिस बैम एच वन इज फंक्शनल एंड दिस वन इज नॉट फंक्शनल. इन दिस केस वॉट यू विल गॉट? दैट वन फ्रैगमेंट इज लेबल्ड एंड वन फ्रैगमेंट इज अनलेबल्ड. समझ में आ रही चीजें? अब जब जीरो कट होगा तो भाई आपको एक तो फाइव प्राइम एंड मिलेगा ही मिलेगा, फाइव प्राइम एंड तो आपको मिलेगा, लेकिन थ्री प्राइम अनलेबल्ड आपको एक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बैम एच वन कट ही नहीं कर रहा. कट करेगा तब तो मिलेगा. तो इस केस में आपको कितने मिलेंगे? सॉरी, यहाँ पे आपको फोर लेबल्ड मिलेंगे,
क्योंकि ईच एंड एवरी जनरेशन में आपको एक लेबल डीएनए मिलेगा और एक अनलेबल डीएनए मिलेगा, तो 4 and 6 इज द राइट ऑप्शन. ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट. सो इन दिस केस दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. समझ में आया? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. बाय, टेक केयर. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर. तब तक के लिए बाय, टेक केयर. इसी तरह से क्वेश्चन देखिए, कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो इसको अपना दिमाग लगाइए, सोचिए, प्रैक्टिकली उसको चीज़ों को देखिए और इंटरप्रेट कीजिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा. ठीक है, चलिए बाय.